हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहूंगा, आप इस क्लिप को देख लीजिए पहले। मनोज जैसे व्लॉगिंग कर रहे थे रोड पर, पीछे से स्कूटी पर दो चोर आए और उनका मोबाइल छीन कर भाग गए। तो क्या ये स्क्रिप्टेड वीडियो थी या कुछ और था इसके पीछे? तो इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, ठीक है। और गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जो ये मैंने आपको क्लिप दिखाई है, क्या ये स्क्रिप्टेड है या नहीं है। तो गाइज, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये स्क्रिप्टेड है बिल्कुल, ठीक है। हालांकि मैंने उस वीडियो में मैं बता दिया है, फिर यहाँ पर फिर से मैं बता रहा हूँ। तो कई भाइयों को तो यही नहीं पता ये स्क्रिप्टेड वीडियो होती कैसी है, तो सबसे पहले तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो कई होता क्या है कि जैसे कि मनोदय हो गया और जो उनके दोस्त हैं, उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया कि मैं रोड पर जाऊँगा, व्लॉगिंग करूँगा और तुम पीछे से स्कूटी पर आना और मेरा मोबाइल छीन कर भाग जाना। तो वो प्लान उन्होंने पहले फिक्स किया, ठीक है, उसके बाद में ही उसने उस प्लान को अंजाम दिया। तो ये स्क्रिप्टेड वीडियो होती इस प्रकार की, ठीक है। तो जैसे जैसे उन्होंने प्लान बनाया वैसे वैसे उन्होंने कर दिया, बिल्कुल साधारण भाषा में आपको बता रहा हूँ। तो ये स्क्रिप्टेड वीडियो होती है। तो गाइज, मैं आपको बता दूँ, आज की डेट में बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड वीडियो बन रही है, ये हमें पता ही नहीं चलता कौन सी वीडियो असली है और कौन सी स्क्रिप्टेड वीडियो है। समझते हैं कि ये रियल वीडियो है, लेकिन वो स्क्रिप्टेड वीडियो होती है गाइज। यहाँ पर मैं कुछ आपको उदाहरण देना चाहूँगा। तो गाइज, जैसे कि क्या है कि मैंने कई जगह देखा है, वो बहुत ज़्यादा हर जगह बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड वीडियो मिल रही है। जैसे कि प्रैंक हो गए एक, तो उसमें क्या है, एक लड़की होती है, उसके पास जाकर बैठ जाता है लड़का, वहाँ पर ऐसी वैसी बातें करता है, तो वो सब कुछ स्क्रिप्टेड वीडियो होती है, ठीक है। वो पहले से फिक्स किया जाता है कि भाई तुम वहाँ पर बैठ जाना और मैं आऊँगा, मैं आपसे ऐसे ऐसे बातें करूँगा, तो वो स्क्रिप्टेड है, ठीक है। और गाइज, आज से 4-5 साल पहले की बात है, मैं पहले प्रैंक देखता था, ठीक है। क्या होता था कि मैं प्रैंक देखता था, तो उसमें क्या है कि जो एक बंदा था, ठीक है, वो एक चैनल पर आया, तो एक में तो शरीफ बन गया बिल्कुल, ठीक है, और एक दूसरे में वो गुंडा बन गया। तो इस प्रकार के भी होते थे, और पहले ऐसे भी होते थे कि भाई पार्क में आ रहे हैं, तो पार्क में आ रहे हैं कोई बहू चोर बन गई, कोई लुटेरी बन गई, किसी का अफेयर चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड वीडियो बनी थी पहले भी, और आज भी बन रही है आज की डेट में भी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कोई गुंडे ला रहा है मारने के लिए, कोई कुछ कर रहा है, तो ये सब कुछ स्क्रिप्टेड वीडियो होती है गाइस, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि एक लड़के लड़की होटल में गए हैं, तो वहाँ पर पुलिस आ गई, उन्होंने पकड़ लिया, तो उसके ऊपर वीडियो बनाई और हज़ारों लाखों में व्यूज मिल रहे हैं। तो वो सब कुछ क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि वो सब हम देख रहे हैं, तभी उनको व्यूज मिल रहे हैं और उनसे उनको फ़ायदा हो रहा है, उनसे अर्निंग हो रही है उनको, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारी कमी है, हम उनको देख रहे हैं तभी उन पर व्यूज आते हैं, ठीक है, तो तभी उनकी वीडियो पर व्यूज आते हैं और तभी वो आगे इस प्रकार की बढ़ावा मिल रहा है उनको, ठीक है। तो हालांकि ये गलत है बिल्कुल, और जो रियल कंटेंट बनाता है उनको कोई देखता नहीं। जैसे कि मैं खुद ही हूँ, मैं कितनी अच्छी वीडियो बना लूँ, मेरे पे ज़्यादा से ज़्यादा 10-15-20 व्यूज ही आते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा व्यूज नहीं आते हैं। मैं रियल वीडियो बनाता हूँ, लेकिन नहीं इसमें कोई स्क्रिप्टेड वीडियो होती है, और जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो यूजफुल होती है, आपके काम की चीज़ होती है उसमें। फिर भी आप कोई सपोर्ट नहीं करते, उन्हें लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो। अगर ऐसी वीडियो में बनाने लग जाऊँ तो मेरे भी हज़ारों लाखों मिलियन में फॉलोवर्स मिल जाएंगे मुझे भी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं इस प्रकार से करूँ, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर कि आप मुझको सपोर्ट करें, लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और गाइस, बहुत ज़्यादा ऐसे मैंने बता दिया आपको, उदाहरण और बता देता हूँ दो चार में। एक जैसे कि कहीं कूड़ा कचरा पड़ा है तो वहाँ पर आईफोन के डिब्बे हैं, ठीक है, उनमें आईफोन निकल रहे हैं नए नए, तो ये भी स्क्रिप्टेड वीडियो है, ठीक है। ऐसे जाने कितने ही स्क्रिप्टेड वीडियो है दिमाग में, मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है, हमें पता भी नहीं चलता है असल में। कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं ऐसे भी आजकल तो ऐसे चल रहा है कि दो दोस्त आ रहे हैं आमने सामने से बाइक पर, वो टकरा गए, नकली एक्सीडेंट दिखा देते हैं कि भाई एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिकड़ा हो गया, लेकिन वो असल में होता कुछ नहीं है, ठीक है। और कोई ऐसे भी होते हैं कि भाई, जैसे कि मैंने पहले बता दिया आपको कि भाई रास्ते में जा रहे हैं तो कोई किसी का सामान चोर ले गया, कोई कुछ कर गया, तो ये सब कुछ स्क्रिप्टेड वीडियो है गाइस, ठीक है। तो गाइस, एक बात और बता दूं, ये स्क्रिप्टेड वीडियो तो है, ये चल भी रही है आज की डेट में, खूब चल रही है, आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप इनको बढ़ावा दे रहे हैं, अगर नहीं देखेंगे तो बंद कर देंगे। तो रिक्वेस्ट है आप ऐसी वीडियो से बचें, और अगर किसी में, अगर मान लीजिए गाइस किसी के साथ रियल में भी हो भी जाए तो हमें क्या पता चलेगा, हम तो सोचेंगे भाई ये तो स्क्रिप्टेड वीडियो है, ठीक है। तो जो भाई ऐसी स्क्रिप्टेड वीडियो बनाता है उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये बनाना बंद कर दीजिए, ठीक है। माना कि आपको लाइक फॉलोअर्स मिल जाएंगे, सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन इससे होगा क्या, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं भविष्य में आपको ही इससे नुकसान होगा। तो बस मेरा तो यही मकसद है कि आप ज़्यादा स्क्रिप्टेड वीडियो मत देखा कीजिए, और जो जो स्क्रिप्टेड वीडियो बनाता है, अगर उन तक ही वीडियो पहुंच जाती है तो भाई रिक्वेस्ट है आपसे, आप भी बनाना बंद कर दीजिए अब, ठीक है। और गाइज, हालांकि जैसे मैंने पहले बता दिया है, भाई हमें तो कोई सपोर्ट करता नहीं है, हम यहाँ पर रियल कंटेंट बता देते हैं, यूजफुल वीडियो बनाते हैं आपके लिए, फिर भी कोई सपोर्ट नहीं करता है। अगर आप सपोर्ट करें तो मुझको भी 1 लाख या 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा सकते हैं, वो सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट कर देना आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। जैसा भी आपको सुझाव हो कमेंट में नीचे लिख देना। तो गाइस, बस वीडियो में इतना ही है, तो मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।